लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सरकार ने अगर नया बिल पास किया तो सड़कों से गायब हो जाएगी मोटरसाइकिल, नहीं चला सकेंगे आप बाइक। क्या आप बाइक चलाते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए एक बुरी खबर आई है। चलने व बैठने में अटपटी और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाली मोटर बाइक्स अब देश की सड़कों से गायब हो जाएंगी। इसको लेकर अब एक नया कानून प्रभाव में आने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा यह कानून जबलपुर शहर से शुरू हुई एक पहल पर बनेगा। इसी पहल के तहत भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जल्दी ही राज्यसभा में एक बिल पेश करेंगे। यदि यह बिल पास हो गया तो मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया प्रावधान प्रभावशील हो जाएगा। इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन निर्माताओं पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है। जबलपुर के आनंद नगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान प्रकाश ने सन 2008 में MP हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कई मोटरसाइकिलों में पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा समेत कुछ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं नहीं है। यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 123 का खुला उल्लंघन है। MP हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सही पाया और 25 नवंबर 2008 को मोटरसाइकिलों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। प्रदेश भर में 5 दिसंबर 2008 तक मोटर बाइक्स की बिक्री प्रतिबंधित रही। MP हाईकोर्ट द्वारा मोटरसाइकिलों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इसके बाद मोटरसाइकिल निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। मोटरसाइकिल निर्माताओं की याचिका पर 5 दिसंबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्णय पर स्टे दे दिया। इससे मोटरसाइकिल निर्माताओं को राहत मिली और प्रदेश में मोटरसाइकिलों का विक्रय फिर से प्रारंभ हो सका था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 23 फरवरी को मोटरसाइकिल निर्माताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। मोटरसाइकिल निर्माताओं की याचिका निरस्त होते ही हर पूरे देश में हलचल मच गई है। यह आशंका बलवती हो गई कि मोटर व्हीकल एक्ट के मानक पूरे नहीं करने वाली मोटरसाइकिलों पर मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रतिबंध लग सकता है।